आप देख रहे हैं ये चैनल, जो चैनल आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है। आज आपको दिखाऊंगा मैंने जो MI का जो फ़ोन है उसमें जो इन यहाँ पे जो आयर ब्लास्टर रहता है ये कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं ये जो फ़ोन है ये रेडमी 4 है, 2GB 16GB वर्सन। तो इस वीडियो आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कैसे MI रिमोट काम करते हैं। जिस फ़ोन में MI रिमोट नहीं है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप सेट को अपडेट करेंगे जब तब आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोई फिगर की बात नहीं है। आप कुछ सिंपल स्टेप्स से ये कनेक्ट कर सकते हैं। ये है MI रिमोट। ओपन करने के बाद ये जो ऐड ऑप्शन है, ऐड ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐड ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से देख रहा है MI TV, MI यहाँ पे सब कुछ फैन कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं बॉक्स और प्रोजेक्टर, AV रिसीवर, DVD प्लेयर, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरा में चला जाते हैं हम। कैमरा में आपको कैनन का, हायर का, फूजी फिल्म, कोटक, निकॉन, जब बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है यहाँ पे, पैनासोनिक्स बहुत कंपनी है, आप सोनी कुछ भी कंपनी का कैमरा आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल में चला जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो कैमरा का मॉडल है वो सिलेक्ट करके हम कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी में आप सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे MI का जो डिवाइस है, डिवाइस लेके के यहाँ पे आप पेयर में जाके यहाँ से आप टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। आज जो चीज़ दिखाएंगे, मैंने AC को कनेक्ट किया है, AC कैसे कंट्रोल करते हैं हम दिखाएंगे। देखो यहाँ पे मेरा LG का TV है, वो LG का TV मैंने कनेक्ट किया था तो कनेक्ट हो गया है। और यहाँ पे AC है, AC अभी ऑन है तो इसलिए मैंने आपको दिखाऊंगा AC कैसे काम करता है। ये जो AC का रिमोट है मैंने उसको ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं ये रिमोट यहाँ पे है, ये फ़ोन यहाँ पे ले लिया मैंने। ये जो AC वाला ऐड है यहाँ पे ऐड कर दिया है मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स देखो ये जो रिमोट है वो 17 पे है, ये फ़ोन भी 17 पे है, दोनों एक ही काम करता है। ये जो टेम्परेचर अप डाउन करता है, यहाँ पे जो MI रिमोट है इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, स्पीड, हाई स्पीड मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, स्पीड मिलता है, स्वाइंग मिलता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे भी आप रिमोट में भी देख सकते हैं, स्वाइंग मिलता है, एयर फ्लो मिलता है, फैन स्पीड, सब कुछ मिलता है। और टर्बो मोड भी है यहाँ पे, यहाँ पे सब कुछ है। आप यहाँ से स्लीप भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो टाइमर है, यहाँ से आपको AC 30 मिनट्स और 40 मिनट्स और 1 आवर चलाना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं। तो ये MI का फ़ोन है तो आपका पॉकेट में, तो ये रिमोट कोई काम का चीज़ नहीं है। चलो इसको साइड में रखते हैं। चलो कैसे चेंज करते हैं हम आपको दिखाएंगे। ये है मेरा AC, आप देख सकते हैं AC ऑन है 17 पे। तो ये जो फ़ोन है यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँगा, आप देखेंगे। देखो देखो फ्रेंड्स AC चल रहा है, ये 17 पे है तो ये भी 17 पे है, देख सकते हैं। यहाँ से मैं प्लस करूँगा तो 18 पे गया तो 18 पे आ जाएगा। देखो मैं टेम्परेचर को हाई कर रहा हूँ, यहाँ से हाई कर रहा हूँ, ये 30 पे जाके रुक गया है। और इसको हम स्वाइंग करेंगे, देखिए इसका जो फैन है स्वाइंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए आप स्वाइंग करेंगे, देखो स्वाइंग करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ। इसका टेम्परेचर थोड़ा से हम डाउन कर देते हैं, देखिए आ गया फिर से, सेम है आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम है। तो स्पीड हाई है, यहाँ पे स्पीड आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कुछ भी कंपनी का AC आप कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कंपनी का TV, DVD प्लेयर हो, वो जो बॉक्स चलता है आयर ब्लास्टर पे वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं, कितना मिनट आपको चलाना है, शेड्यूल सेट कर सकते हैं, फंक्शन से आप लाइट, सुपर पावर, क्लीनिंग, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बहुत काम का चीज़ है। ये देखो यहाँ पे स्पीड मोड जो है ये ऑटो कर दिया है, यहाँ पे भी ऑटो हो गया, 16 पे रुक गया। तो मेरा माइक्रोमैक्स का AC है तो ऐसे मैं कंट्रोल करता हूँ। जो रिमोट है वो मेरे को नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास MI का सेट है। तो ऐसे हम इसको हाई करते हैं, देखो आप दूसरी बार मैं दिखाता हूँ,
यहाँ पे जो मार्क्स आता है वहाँ पे भी सेम मार्क्स आता है। आप यहाँ से कमा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, आपको एसी को आपको हाथ की कंट्रोल में रख सकते हैं। तो पॉकेट में जो आपका एमआई सेट है तो उससे इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और रिमोट को आप ड्रॉअर में रख दीजिए क्योंकि एमआई है तो आपको रिमोट का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स ये है बहुत ही अच्छा एमआई का एक स्पेसिफिकेशन है। आप स्विंग का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। एमआई सब फोन में 4A से लेके रेडमी 4 तक और नोट 4 तक, एमआई मिक्स तक, सब फोन में कम दाम से लेके ज़्यादा दाम का सब फोन में ये चीज़ रखता है, ये है एयर ब्लास्टर। इस चीज़ से ये काम करता है। कुछ कुछ फ्रेंड नहीं जानते हैं जो ये चीज़ किस काम पे आता है। इस काम का ये बहुत चीज़ है, ये जो चीज़ है बहुत काम का चीज़ है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आप कुछ भी चीज़, आपका कुछ भी पार्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बार दिखा देता हूँ आपको, ऐड में जाइए और ऐसे कुछ भी चीज़, जो चीज़ आपको एयर ब्लास्टर सपोर्ट करता है वो चीज़ आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ हो आपका टीवी हो, आपका जो बॉक्स हो, फैन हो, उसको फैन, जो फैन आपको एयर ब्लास्टर सपोर्ट करता है उसके अंदर जाके आप यहाँ से कंपनी सिलेक्ट करके आप उसका मॉडल सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद दूसरी बार आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। इस तरह का जो 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 चीज़ मैंने ऐड किया, जो जो चीज़ आप ऐड किया वो आपका सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही काम का चीज़ है। फ्रेंड्स इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और आपका फ़ोन, टीवी और आपका जो सेट टॉप बॉक्स है, एसी है, घर का सब चीज़ आप कनेक्ट कर सकते हैं। जो एमआई आपको, सिर्फ एमआई आपको देता है, सिर्फ एमआई, और दूसरे फ़ोन में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है। बहुत कम का चीज़ है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक आप अच्छे रहना और इस तरह की वीडियो, नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स चलते हैं।